सूर्य की परिक्रमा के दौरान जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच आ जाती है तो चंद्र ग्रहण लगता है। वैसे तो ये सौर मंडल में होने वाली महज एक खगोलीय घटना है, लेकिन इसका हमारे जीवन और धर्म में भी बड़ा महत्व है। ज्योतिष की माने तो इस दौरान हमें कुछ खास बातों का ख्याल रखना चाहिए ताकि हम ग्रहण के बुरे प्रभाव से बच जाएं। चंद्र ग्रहण के दौरान कुछ ऐसे सावधानियां बरतनी चाहिए जो हमारी खुशियों को ग्रहण ना लगाएं। इस दौरान हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और ग्रहण के बाद हमें किन नियमों का पालन करना चाहिए, चलिए जानते हैं। ग्रहण के दौरान ना तो खाना बनाएं और ना ही खाना खाएं। पूजा का निषेध करें, नींद का त्याग करें, पुरुष स्त्री संबंध ना बनाएं, गर्भवती महिलाएं घर से ना निकले, गर्भवती महिलाएं कैंची और चाकू का इस्तेमाल ना करें, लड़ाई झगड़े से बचें, किसी के बारे में बुरा ना सोचें, खुली नजरों से आसमान को ना देखें। ग्रहण काल में पूजा घर और मंदिर जाना निषेध होता है क्योंकि चंद्र ग्रहण में 9 घंटे पहले ही सूतक लग जाता है और मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। इसीलिए ग्रहण के दौरान शांति से बैठकर कुछ मंत्रों का जाप करते रहना चाहिए। ओम ह्रीम बगला मुखी सर्व दुष्टानाम वाचम मुखम पदम ओम श्रीम श्रीम चंद्रमसे नमः। ओम आदित्यनाय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात। ज्योतिष की माने तो चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्र देव के मंत्रों का जाप अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से चंद्र दोष का प्रभाव कम होता है। मंत्र जाप के अलावा कुछ और खास उपाय हैं जिसका हमें चंद्र ग्रहण के दौरान पालन करना चाहिए। चंद्र ग्रहण के दौरान खाने पीने की चीजों में तुलसी के पत्ते जरूर डालें, भगवान का निरंतर ध्यान करें, शांति बनाए रखें। ये तो आपने जाना कि ग्रहण के दौरान क्या करना चाहिए और क्या नहीं, लेकिन अब हम आपको बताते हैं कि ग्रहण खत्म होने के बाद क्या क्या करना चाहिए। ग्रहण खत्म होने के बाद सबसे पहले गंगा जल से स्नान करें, घर के सभी कोने में गंगा जल का छिड़काव करें, भगवान की मूर्तियों को गंगा जल से स्नान कराएं, स्नान के बाद भगवान को स्वच्छ वस्त्र पहनाएं। ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक ग्रहण के बाद सारी चीजें चूंकि अशुद्ध हो जाती हैं, इसीलिए उन्हें गंगा जल से शुद्ध करते हैं और मंदिरों में रखी गई सभी चीजों का स्थान बदलते हैं। भगवान के साथ सजावट की पुरानी चीजों को भी जल में प्रभावित करने का चलन है। इसके अलावा गाय को रोटी खिलाने की भी मान्यता है, कहती है कि इससे सभी दोषों से मुक्ति मिल जाती है।